हेलो स्टूडेंट्स, हम एक ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं। वन वीक के आपके ब्रेक थे। लास्ट वीडियो में जो मैंने पढ़ा था वो 6.3 एक्सरसाइज की कुछ प्रॉपर्टी, जो ट्रायंगल सिमिलर्स करने थे उनकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया गया था कि दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होती है। एक बार फिर कर देता हूँ मैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन हमें, वो टू ट्रायंगल्स सिमिलर कब होंगे, इफ उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तो ट्रायंगल सिमिलर होती है। अब उन प्रॉपर्टीज का हम यूज कैसे करेंगे, कैसे अप्लाई करें, तो क्वेश्चन देखिए। आपकी जो बुक है उसमें 6.3 एक्सरसाइज, और इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन लेके जाते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल गिवन है कि दो ट्रायंगल गिवन है, सिंपल लेके चलते हैं। क्वेश्चन ये कि हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल्स 60, एंगल बी 80 डिग्री एंड एंगल सी 40 डिग्री, एंड अनदर ट्रायंगल ओ ट्रायंगल हमें गिवन है पी क्यू आर, इसमें एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल क्यू 80 डिग्री, एंगल आर 40 डिग्री। अब हमें ऑब्जर्व करके बताना है कि दोनों ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं। अब हमने क्या देखा इस ट्रायंगल के अंदर कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, और लिखना किस प्रकार से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल है। रीजन क्या है, ईच ऑफ 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ईच ऑफ 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ईच ऑफ 40 डिग्री। Therefore, by angles condition से triangle ABC similar to triangle PQR। आपको इसमें देखना है कि symbolic form में ठीक लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ एंगल ट्रायंगल ABC लिखा, लेकिन आप यहाँ ट्रायंगल जो PQR लिखा है वो इसके अकॉर्डिंग लिखना है कि एंगल A का corresponding एंगल एंगल A का corresponding एंगल एंगल B हो गया, तो पहले B लिखेंगे, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है, तो उसके बाद यहाँ पे क्यों लिखा, और फिर ये आर लिखेंगे बाई एंगल एंगल से बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाई एंगल 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 से। लेकिन अगर हमें इसमें ओनली टू एंगल्स गिवन हो, थर्ड एंगल गिवन नहीं है, तो बाई एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसा क्या होता है, क्योंकि बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल इक्वल होता है। इन टू ट्रायंगल्स यदि कोई दो ट्रायंगल गिवन है, किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के टू एंगल्स के इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल होता है, तो आप यहाँ एंगल एंगल प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें पहले से थ्री एंगल गिवन है, पर इस प्रकार से ये क्वेश्चन फर्स्ट के ऑल पार्ट आपको इसी मेथड से सॉल्व करने हैं कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, उसमें आपको बताना है। अब लेकिन चलते हैं क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकंड टू गिवन है, बहुत सिंपल, केवल आपको उसको प्रॉपर्टी का यूज करना आना चाहिए कि प्रॉपर्टी यूज कैसे करनी है। क्वेश्चन सेकंड, सेकंड क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, सबसे पहले फिगर को समझे आप। ये हमें टू लाइंस पैरेलल गिवन है, यहां दोनों लाइनें पैरेलल है, पॉइंट डी सी पॉइंट ए पॉइंट बी और ये पॉइंट इसका ओ पॉइंट होगा। यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ये एंगल 125 है, एंड एंगल ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल इस प्रकार से हमें गिवन है कि इन ट्रायंगल, तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा गिवन में ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए। गिवन है क्वेश्चन में ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए, और क्या गिवन है, एंगल ओ बी ओ सी इज इक्वल टू 125, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 125 है, एंड एंगल सी बी ओ एंगल सी डी ओ दिस एंगल
ये एंगल इसका 70 डिग्री गिवन है, इक्वल टू 70 टू फाइंड। अब आपको इसमें फाइंड करना है या प्रूव करना है, लेकिन इसमें प्रूव नहीं करना, हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या क्या एंगल करना है, जी ओ सी एंगल, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया यहाँ पर अपने पास कि दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं। अब जब ट्रायंगल सिमिलर है और इसका जो प्रूफ है सॉल्यूशन है वो देखेंगे किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम ये बाई लीनियर पेयर से आप ये एंगल फाइंड सकते हो, एंगल वन बाई लीनियर पेयर से आपने एंगल वन फाइंड किया। ये एंगल वन बिल्कुल सिंपल है कि लीनियर पेयर से आप जब एंगल फाइंड करते हो, एंगल वन प्लस 125 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, देन एंगल वन इज इक्वल टू 180 माइनस 125 एंगल वन इक्वल टू 55। ये एंगल वन है, ये 55 हो गया, लेकिन आपको तो फाइंड करना है यहाँ ये एंगल फाइंड करना है। लेकिन इसमें आपको ये पॉइंट गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, बिकॉज ट्रायंगल ओ बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए गिवन है। देयरफॉर अब जो आपको फाइंड करना है इसमें एंगल डी ओ सी, डी ओ सी ये एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इस फिगर में मैंने लिखा है यहाँ पर एंगल वन है, इट मीन्स ये एंगल वन आ गया था हमारा डी ओ सी, तो यहाँ एंगल वन कितने का आया ये 55। सेकेंड एंगल फाइंड करना है यहाँ, इसको आप यहाँ भी लिख सकते थे, देयरफॉर एंगल डी ओ सी इक्वल टू 55। नाउ एंगल फाइंड करना आपको डी सी ओ, डी सी ओ यहाँ देखिए इसके अंदर डी सी ओ ये सी एंगल, यहाँ किसके एंगल आएगा ये ओ बी ए, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे हम ये, इसमें ये एंगल फाइंड करना आपको ये एंगल, इसको लिखा हमने एंगल टू। अब जब एंगल टू फाइंड करना है तो आप यहाँ जो तो ट्रायंगल सिमिलर है सिमिलर का बाद में यूज करेंगे, पहले बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपको यहाँ ये एंगल फाइंड करना है एंगल टू। तो आप एंगल टू फाइंड करें तो एंगल टू आप पहले फाइंड कर लें उसके बाद लिखेंगे। जब एंगल टू फाइंड करते हैं यहाँ तो एंगल टू प्लस 70, एंगल टू प्लस 70 यूज कीजिए या फिर एंगल वन प्लस टू प्लस 70 ये यूज करना है इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करने के लिए। तो एंगल 2 प्लस 70 इक्वल टू 125 एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल 2 फाइंड किया आपने 125 माइनस 70 एंगल 2 इज इक्वल टू 55। एक मीन्स एंगल डी सी ओ इक्वल टू 55 हो गया। अब फाइंड कीजिए आप ये इसमें लिख करके, बिकॉज एंगल ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए गिवन है, देयरफॉर एंगल ओ ए बी इक्वल टू ओ ए बी, इट मीन्स ये एंगल ए किसके इक्वल आएगा, एंगल सी के इक्वल, जिसको लिखा हमने एंगल डी सी ओ बाई सी पी एस टी। सी पी एस टी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और ये एंगल हमने फाइंड किया था यहाँ 55 है, तो ये 55 का एंगल होगा। तो यहाँ देखा आपने इसमें केवल सिंपल प्रॉपर्टी यूज हुई है और इनका यूज करके ये क्वेश्चन सेकेंड इस मेथड से करना है। नाउ क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में भी प्रॉपर्टी यही है, कुछ ज्यादा नहीं है, केवल आपको प्रॉपर्टी लर्न तो होनी चाहिए लेकिन प्रॉपर्टी लर्न करके उनका यूज कैसे करना है वो हमें करना है। क्वेश्चन थर्ड क्या गिवन है कि एबीसीडी के ट्रेपेजियम, एबीसीडी को ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें ए बी पैरेलल डीसी एंड इसके डायगोनल्स हैं एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। एबीसीडी के ट्रेपेजियम ए बी पैरेलल डीसी एंड डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ये हमें गिवन है। यहां हमें प्रूव करना है यूजिंग सिमिलर
टू प्रो, प्रूव करना हमें यहाँ पर ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूव करना है। अब देखिए प्रूफ, इससे पहले यहां लिखेंगे आप गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे, एबीसीडी ट्रेपेजियम विद एबी पैरेलल सीडी एंड डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब प्रूफ में देखिए आपको जो ये फोर साइड्स गिवन है, ये देखना है किस ट्रायंगल में यहां है, तो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। ये एंगल वन लेट के हमने, ये एंगल टू, ये एंगल थ्री लेट कर लिया, और ये एंगल फोर लेट कर लिया। आप इसमें ये एंगल भी लेना चाहें तो ये भी ले सकते हो, एंगल थ्री एंगल फोर। अब रूप में देखिए बिकॉज ए बी पैरेलल डी सी, ए बी एंड डी सी पैरेलल है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, जो एसी ट्रांसवर्सल है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे ही व्हेन बीडी इज ट्रांसवर्सल, लाइन सेम पैरेलल है लेकिन बीडी ट्रांसवर्सल है, तो एंगल कौन से इक्वल होगी, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, रीजन वही है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या क्या इक्वल्स, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये हमने प्रूव अबाउट प्रूव कर दिए हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी, रीजन लिखा यहाँ ये एंगल एंगल से। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यहाँ एंगल एंगल से किस प्रकार से, क्योंकि कोई दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल के किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के अगर इक्वल होते हैं तो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी इक्वल होता है, तो यहाँ थर्ड एंगल इक्वल होगा तो आप यहाँ एंगल एंगल प्रॉपर्टी से भी सिमिलर कर सकते हैं। दो एंगल जब आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं भाई एंगल एंगल से, जब सिमिलर है देयरफॉर बाय सीपीएसटी से ये साइड ओए अपॉन इसकी साइड ये ओसी इज इक्वल टू इसकी नेक्स्ट साइड ओबी और इसकी नेक्स्ट साइड क्या आएगी ये ओडी और ये होगा बाय सीपीएसटी। अभी सीपीएसटी की फुल फॉर्म बताई थी आपको यहाँ, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और यही आपको प्रूव करना था कि ओए अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। आपने पिछले एक्सरसाइज 6.1 में इस क्वेश्चन को भाई बीपीटी से प्रूव करके दिखाया था, ऐसा ही फेस फॉर्म से प्रूव करके दिखाया था, लेकिन कंडीशन दी है यहाँ पर भाई सिमिलर क्राइटेरिया से आपको करना है तो सिमिलर क्राइटेरिया यूज करेंगे। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं गिवन है कि आपको किस प्रॉपर्टी से करना है तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं आपसे। तो ये क्वेश्चन था हमारा इसका थर्ड। अब दो क्वेश्चन देखें, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, केवल प्रॉपर्टी सभी इसमें एक्सरसाइज में आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो नाउ क्वेश्चन फोर, क्वेश्चन फोर जो फिगर हमें गिवन है वो ये फिगर है, एक ट्रायंगल गिवन है ये टी क्यू आर, इस ट्रायंगल पर एक पॉइंट क्यू पी पर एक पॉइंट पी गिवन है और इस पी पॉइंट को आर से ज्वाइन किया गया और एक पॉइंट ये दिया गया पॉइंट एस, और क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए। इसमें क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। फिगर में गिवन था हमें ये एंगल वन है एंड ये एंगल इसका टू, ये तो गिवन है। टू प्रूव आपको इसमें जो प्रूव करना है वो क्या, देखिए ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। अब आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक बार आप इन दोनों ट्रायंगल को अगर अलग अलग फिगर बना के आप देखना चाहें वो सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा, पी क्यू एस ये ट्रायंगल एंड दूसरी जो ट्रायंगल है ये है टी क्यू आर। अब इसमें देखेंगे एंगल क्यों दोनों में कॉमन हो गया, सेम एंगल वन, दो एंगल वन है ये
और यहाँ ये आपको गिवन है, तो गिवन है उसका यूज हमेशा करना होता है, इसलिए वो गिवन है। अगर तो गिवन उसका यूज नहीं किया तो उसका फिर यूजलेस है, तो उसका यूज करना हमें। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यों आर अपॉन क्यों एस, क्यों आर अपॉन क्यों एस, क्यों टी ये अपॉन पी क्यों, अगर इसके डिवाइड में ये साइड आ जाए, लेकिन इसके डिवाइड में क्या है यहाँ पर ये पी आर गिवन है, तो अगर ये आ जाए तो बाई एस ए एस साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो टारगेट हमारे पास क्या मिला, हमें इस पी क्यों को पी आर के इक्वल प्रूव करना है। तो प्रूफ में देखें हम इसका, इन ट्रायंगल पी क्यों आर, ये ट्रायंगल देखिए आप पी क्यों आर, ये ट्रायंगल गिवन है आपके पास ट्रायंगल पी क्यों आर, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू गिवन, हमें ये दोनों एंगल इक्वल है, देयरफॉर PQ is equal to PR, PQ और PR दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है ये, इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो एंगल्स के अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। अब आप लेकर चलेंगे ये बिकॉज क्यों आर अपॉन क्यों एस इज इक्वल टू क्यों पी अपॉन पी आर गिवन है, देन क्यों आर अपॉन क्यों एस इज इक्वल टू क्यों पी अपॉन पी आर, और ये पी आर हमने प्रूव किया है पी क्यों के इक्वल, तो आगे इक्वल में पी क्यों हो गए क्लियर यहाँ पर। एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अब एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल हो गए, यहां तक आपने ये प्रूव कर लिया कि ये इक्वल है। अब वो आपको ट्रायंगल सिमिलर करने वो ट्रायंगल लेके चलना है, नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दो दो इक्वल है, वो लिख देगा हम यहां ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू पी अपॉन पी क्यू एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हमने प्रूव अबाउट या प्रूव किया था ये, और ये एंगल एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस, एस ए एस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल ये सिमिलर हैं, ये क्वेश्चन इस मेथड से हमें करना है। तो आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन इसी मेथड से सोल्व करके देखने हैं, और कम से कम आप इसमें आप क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे तो 6-7 तक, तो आप इसी मेथड से सोल्व करके देखना है। थैंक यू।